हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और नया डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो कि मोटी वूल में डाला जाता है और बहुत ही प्यारा बन के आता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। ये देखिए, मैंने इस डिज़ाइन के लिए हमने लेने हैं 3 के मल्टीपल फंदे, तो मैंने यहाँ पे 21 फंदे लिए हैं। जब भी हम फंदे रखेंगे तो 3 के मल्टीपल फंदे रखेंगे। तो देखिए किस तरह से इसको बनाएंगे और बहुत ही प्यारा बन के आता है। जब भी हम इसको डालते हैं किसी भी कार्डिगन में, हम इसको डाल सकते हैं। ये देखिए, एक फंदा हमने उल्टा बनाना है। स्लिप स्टिच, इसको पहले स्टिच को हमने ऐसे ही ले लिया और दूसरे फंदे को ये बैक लूप से इस तरह से बनाएंगे। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, धागा अपनी तरफ करेंगे और इसी के साथ हम दूसरे फंदे को भी बैक लूप से बना लेंगे। ये देखिए, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे फ्रेंड्स, और एक फंदा उल्टा, फिर धागा नीचे करेंगे, एक फंदा हम बैक लूप से बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, धागा अपनी तरफ करेंगे और इसके साथ आगे वाला एक फंदा नीचे की तरफ को बैक लूप से इसको हम इस तरह से बनाएंगे। एक फंदे के 3 फंदे हमारे बन जाएंगे। ये देखिए, एक फंदा फिर से हम उल्टा बनाएंगे, धागा नीचे की तरफ, बैक साइड से हम इसको एक फंदे को बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे वाले फंदे को इसके साथ हम बैक लूप से ऐसे नीट करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा नीचे करेंगे, एक फंदे को हम बैक लूप से बनाएंगे और बिना छोड़े हम धागा अपनी तरफ करेंगे और एक साथ इसके साथ आगे के फंदे को हम बैक लूप से ही बनाएंगे। मतलब एक फंदे के 2 फंदों का हम 3 करेंगे। यहाँ पे धागा फिर से अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और धागा नीचे घुमाएंगे और बैक लूप से एक फंदे को हम बनाएंगे, बिना छोड़े धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बैक लूप से बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा नीचे करेंगे और एक फंदा हम बैक लूप से बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके इन दोनों फंदों को एक साथ बैक लूप से बनाएंगे। एक फंदा हमारा उल्टा आ जाएगा और आगे का एज स्टिच, इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है और बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा है। ये मोटी वूल पे बहुत अच्छा लगता है, अगर कभी हमने मोटी वूल पे बनाना हो। और आगे हम इसकी 2 रो में, ये देखिए, ये फर्स्ट फंदा जो हमने राइट साइड से उल्टा लिया है, इसको हम सीधा बना लेंगे और यहाँ पे एक फंदा हम जो 3 फंदे हैं, 3 एक दो के जो 3 बनाए थे, इनमें से हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा नीचे करेंगे और इन दोनों का बैक लूप से एक बना देंगे। धागा नीचे ही रहेगा, ये उल्टा फंदा है, इसको हम सीधा बनाएंगे, धागा ऊपर करेंगे, एक फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, धागा फिर से हम नीचे करेंगे और ये 2 जो फंदे हैं, इनको हम बैक लूप से सीधा बनाएंगे। फिर से एक फंदा हमारा सीधा बनेगा, जो कि राइट साइड से उल्टा फंदा है, धागा ऊपर करेंगे और एक फंदा हमारा उल्टा बनेगा, धागा नीचे करेंगे, 2 फंदों को हम बैक लूप से ऐसे बनाएंगे। फिर से हम इसको एक फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, सीधा बनाएंगे सॉरी, और धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा और 2 फंदों को हम बैक लूप से एक साथ बुनेंगे। फिर एक फंदा हमारा सीधा बनेगा और एक फंदा उल्टा बनेगा,
जो तीन बनाए थे हमने, और दो फंदों को हम बैक लूप से राइट साइड की तरफ बनाएंगे। एक फंदा फिर से हमारा सीधा बनेगा। इसी तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनेगा, धागा नीचे करेंगे और ये दो फंदों का एक कर देंगे राइट साइड से बैक लूप से, और एक फंदा ये भी सीधा ही जाएगा, ये उल्टी साइड से उल्टा था, और यहाँ पे हम लास्ट वाले स्टिच को उल्टी तरफ को बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यही रो हमने बार बार रिपीट करनी है। अब फिर से हमारा एक फंदा उल्टा बनेगा, इस फंदे को हम बैक लूप से इस तरह से बनाएंगे, बिना छोड़े हम इन दोनों को धागा अपनी तरफ करके बैक लूप से इनका तीन करेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा नीचे करेंगे, एक फंदे को बैक लूप से बनाया, बिना छोड़े धागा अपनी तरफ किया, और इन दोनों को फिर से बैक लूप से हमने एक के दो के तीन कर दिए। धागा फिर से हमने ऊपर किया, एक फंदा उल्टा, धागा नीचे किया, बैक लूप से एक फंदे को बनाएंगे, बिना छोड़े धागा अपनी तरफ करेंगे, और ये दोनों फंदों को फिर से एक साथ बुनेंगे, और ये दो का तीन बन जाएंगे। यहाँ पे एक फंदा उल्टा और एक फंदे को हम बनाएंगे बैक लूप से, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो का एक करेंगे। यहाँ पे हमारे तीन फंदे बन जाएंगे, एक फंदा उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है, आप किसी भी कार्डिगन में डाल सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ये दो सिलाइयों का केवल डिजाइन है, और जो मोटी वूल है उसमें ये बहुत प्यारा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बना सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। ये देखिए इस तरह से एक फंदा लास्ट का उल्ट दो फंदे हम इनको उल्टी तरफ को बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा है, और मैं थोड़ा सा इसको बना के आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डिजाइन आएगा। इसको हम किसी बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, जैसे आगे इतना इतना बाजू में, या ये नीचे किसी भी स्वेटर में, जेंट्स के या लेडीज़ के या बच्चों के किसी भी कार्डिगन में डाल सकते हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है, और बनाने में बहुत ईजी है, और दो ही सिलाइयों का सिर्फ है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देती हूँ। सबसे पहले हम एक फंदा उल्टा करेंगे, ऐसे स्टिच को ऐसे ही लेके, और एक फंदे को ऐसे बैक लूप से सीधा बनाएंगे। सीधा बना के इसको छोड़ना नहीं है, धागे को हम अपनी तरफ रॉन्ग साइड को करेंगे, और इसी फंदे के साथ हम आगे वाला जो फंदा है उसको इकट्ठा बना देंगे। यहाँ पे हमारी एक जाली बनेगी तो तीन फंदे हमारे बन जाएंगे। फिर से धागा हम अपनी साइड करेंगे, एक फंदे को बैक लूप से हम बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे बिना छोड़े, और इसको आगे वाले फंदे के साथ दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ बनाएंगे। फिर से हम धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा लेंगे, और इस आगे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे बैक लूप से, और धागा अपनी तरफ करके फिर दो फंदों को फिर से बैक लूप से ही हम इस तरह से बनाएंगे, और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर हम एक फंदा बैक लूप से लेंगे सीधी तरफ से, धागा अपनी तरफ करेंगे, और ये दोनों का एक करेंगे। एक फंदा उल्टा करेंगे और एक फंदे को बैक लूप से सीधा बनाया, धागे को अपनी तरफ किया, और ये
दो का एक बना दिया, यहाँ पे हमारे तीन बन जाएंगे फंदे, और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। इसी तरह से हमने ये रो रिपीट करनी है, फर्स्ट रो डिजाइन की। और सेकंड रो मैं फिर से बता देती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये लास्ट का फंदा, एक फंदा उल्टा, और एस स्टिच को भी हम उल्टा ही बना लेंगे। ये देखिए लग रहा है ना कितना प्यारा ये वाला डिजाइन। और लेफ्ट साइड से देखिए, रॉन्ग साइड से ये इस तरह से आएगा ये वाला डिजाइन। जो फंदा हमने राइट साइड से उल्टा बनाया है उसको हम सीधा बनाएंगे। और आगे के ये देखिए मैं बताती हूँ, एस स्टिच को ऐसे ही लिया, एक फंदा हमने सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया। जो फंदे हमने तीन बनाए हैं उनके पहले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, फिर हम धागा राइट साइड को घुमाएंगे, और ये इन दोनों फंदों को बैक लूप से ऐसे बना एक साथ बना लेंगे। फिर जो फंदा हमारा उल्टा है उसको हमने सीधा बनाना है, और धागा रॉन्ग साइड को करके एक फंदा उल्टा, और जो दो फंदे बचते हैं उनको हम बैक लूप से सीधी तरफ को बनाएंगे, और फिर से जो फंदा हमारा उल्टा था उसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा और दो फंदों का एक करेंगे बैक लूप से, ये देखिए। और जो उल्टा फंदा है उसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा और दो फंदों को हम एक साथ बैक लूप से बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा और दो फंदों को बैक लूप से सीधा बनाएंगे, एक फंदा फिर से हमारा सीधा बनेगा, और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा और दो फंदों को बैक लूप से इस एक साथ बनाएंगे, और एक फंदा सीधा, ये बैक लूप इसको स्लिप स्टिच को हम उल्टी तरफ से बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से उल्टी साइड से आ रहा है, और ये सीधी साइड से देखिए, बहुत ही प्यारा डिजाइन है, और देखने में लगता है कि कैसे बना होगा, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक और नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।